केंद्र में तीनों कैंडिडेट यहाँ पे खड़े हैं, एक अभिनेत्री, एक माने प्रसिद्ध गायक और मजदूरों की नेता, किसको आप आगे आप लाना चाहते हैं? ये तो समझने वाली बात है कि जो हमारे जो मजदूर नेता हैं और एक तरफ फिल्म मास्टर लोग आया हुआ है राजनीति में और संसद की कुर्सी पर किसको जाना चाहिए, ये तो आम जनता को इसका निर्णय लेना होगा कि कौन नेता है और कौन फिल्म स्टार है। ये तो संसद का जो उच्च जो कुर्सी है उस पर किसको बैठाया जाए। हमारा हिसाब से तो सबसे फिट हमारा गोरांगो चटर्जी। क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या बहुत बेकारी है, भुखमरी है, कारखाना में काम करने वाला का जो न्यूनतम मजदूरी मिलना चाहिए वो नहीं है, 6,000, 8,000, 4,000 में खटा रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। मनमाना ढंग से जो ठेकेदार लोग हैं पूंजीपति लूट रहा, मजदूरी का श्रम लूट के बड़ा बन रहा, बड़ा बड़ा बनते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है, ये स्थिति है यहाँ। पिछले जो सांसद थे बाबुल सुप्रियो जी, क्या काम किया था आसनसोल के लिए? बाबुल सुप्रियो तो आसनसोल के लिए तो क्या काम किया है तो देखने वाली बात है, क्या काम किया। हमारा हिसाब से कुछ काम नहीं हुआ बाबुल सुप्रियो की तरफ से। अब गरीब किसान मजदूर के लिए कहाँ कोई काम हुआ, कोई ऐतिहासिक काम एक आध को बतला दे कि हम काम किया है, कुछ भी नहीं। तो इस बार मजदूरों की नेता की हाथ में आसनसोल की कमान होगा, एकदम निश्चित होगा, जो मजदूर नेता है उसी के हाथ में भी कमान आना चाहिए, सब हो जाएगा, उसी के हाथ में कमान आना चाहिए। हम तो यही चाहते हैं, चाहते हैं।